हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी में हम लोग किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे, जियोलॉजी वर्ड किधर से आया, हम लोग जियोलॉजी में कौन कौन से ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। तो हम लोग आज देखते हैं जियोलॉजी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जियोलॉजी का हिंदी अर्थ भूविज्ञान, भूतत्व या भूगर्भ शास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि जियोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये जियोलॉजी है सो ग्रीक वर्ड से आया है। साथ ही साथ हम लोग जियोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है जियो, जिसका अर्थ होता है अर्थ, जिसे हम पृथ्वी भी कहते हैं। दूसरा लॉगोस, जिसका मीनिंग होता है साइंस, मतलब जियो का अर्थ है पृथ्वी और लॉगोस का अर्थ है स्टडी करना, अध्ययन करना किसी के बारे में। तो हम लोग जियोलॉजी को एक साइंटिफिक नाम से जान सकते हैं कि हम लोग जियोलॉजी कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टडी है अर्थ का बारे में, जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा जियोलॉजी है। द वर्ड जियोलॉजी हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जियो मीनिंग्स अर्थ एंड लोगो मीन्स साइंस। मतलब जियोलॉजी दो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो जियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ है। अर्थ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, एक साइंटिफिक स्टडी अध्ययन करना, हमारा जियोलॉजी कहलाता है। अब जियोलॉजी को हम लोग अर्थ में तो पढ़ते हैं, अब अर्थ के अंदर हम लोग उसके क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या क्या जानेंगे। तो उसके ओरिजिन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, उसका एज के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स की और जानना चाहेंगे। साथ ही साथ हम उसके दूसरे हाथ की ओर चले, अगर हम जियोलॉजी अर्थ को दो हाथों की ओर बांट दें तो पहला हाथ में हम लोग देख सकते हैं कि उसको ओरिजिन, एज और स्ट्रक्चर है, जबकि दूसरा हाथ में एवोल्यूशन, मॉडिफिकेशन और एक्सटिंक्शन है। तो हम लोग अर्थ में एवोल्यूशन, मॉडिफिकेशन और एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशंस का मतलब हो सकता है कि हम लोग उसमें क्या विकास करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन हम लोग क्या उसमें निर्माण करने वाले हैं, जो अर्थ में है वो क्या विकास हुआ, क्या डेवलप किया, वो हमारा एवोल्यूशन के अंदर आएगा। मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या निर्माण करने वाले हैं अर्थ में। साथ ही साथ एक्सटिंक्शन में हम लोग साथ में शेयर करेंगे कि जो हमारे अर्थ में पहले से क्या मौजूद था, अब वो नहीं रहा, विलुप्त होते जा रहा है, जो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। साथ ही साथ हम लोग अर्थ में एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जो कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल को निर्देशित करता है, साथ साथ में हम तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारा जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, ये तीनों के बारे में हम लोग ये जियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसके सारे गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में क्या क्या होते हैं, साथ में वाटर बॉडीज जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग ये बात कर रहे हैं इसमें इंट्रैक्शन की कैसे होता है, इंट्रैक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स क्या है ये। अगर हम किसी भी प्रकार का जो हम लोग केमिकल कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को अध्ययन कर रहे हैं, उसमें होने वाले इंट्रैक्शन के कारण, जो प्रोसेस के कारण हमारी क्रियाएं हो रही, वो किसी एजेंट्स या फोर्स के कारण हो रहा है, उससे उत्पन्न होने वाले रिजल्ट्स, हम लोग प्रोसेस रिजल्ट्स इंट्रैक्शन तीनों को साथ में पढ़ेंगे, वो हमारा जियोलॉजी के अंदर आता है। साथ में हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी क्या क्या है। तो हम लोग कुछ अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने इसे कुछ डिवाइडों में बांटा गया है, जबकि हम लोग कह सकते हैं कि जियोलॉजी का बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि भूविज्ञान संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन को संदर्भित करता है, इसलिए भूविज्ञान का दायरा काफ़ी विशाल है और जटिल है। इसलिए हम लोग इसे कुछ ब्रांचेस में बांटा है, जो कि फिजिकल जियोलॉजी, मिनरल जियोलॉजी, जियो मॉर्फोग्राफिकल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, हिस्ट्रिकॉलिकल जियोलॉजी, इकोनॉमिकल जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इस प्रकार से हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ये ब्रांचेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान और अभियांत्रिक विज्ञान, जिसे हम लोग इंजीनियरिंग जियोलॉजी भी कहते हैं। ये हमारा व्यू पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस के हो गया। तो हम लोग इसके अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस है जियोलॉजी का, साथ में इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।